नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपा पांडे। साथियों, नए कानून BNS की सीरीज में आज हम बात करेंगे कि अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति, चाहे वह हस्बैंड है या वाइफ है, अपने पार्टनर के जीवित रहते बिना तलाक लिए दूसरी शादी करते हैं तो उसके लिए नए कानून की किस धारा में क्या सजा बताई गई है, तो चलिए स्क्रीन पर इसे समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय न्याय संहिता BNS की जो सेक्शन है 82, उसका जो क्लॉज 1 है वो बताता है कि अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति जिसका लिविंग पार्टनर हस्बैंड या वाइफ जीवित हैं और उस दौरान वो बिना तलाक लिए दूसरी शादी करता है तो BNS की इस धारा 82 उपधारा 1 के तहत ऐसा करने वाले व्यक्ति को 7 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों की ही सजा हो सकती है। और ऐसी शादी जो ये दूसरी शादी है वो इस धारा के तहत वॉइड मानी जाती है। लेकिन अगर पहली शादी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा वॉइड डिक्लेयर हो चुकी है या फिर जो उसका पार्टनर है, हस्बैंड या वाइफ, वो 7 साल से लापता है, उसके जीवित होने की कोई भी खबर नहीं है, तो यहाँ पर ये दोनों ही सिचुएशन में उस चीज को अपवाद माना जाएगा और इस दौरान अगर वह दूसरी शादी करता है तो उसे वॉइड यहाँ नहीं माना जाएगा, वो अपवाद के अंदर कवर होगा, एक्सेप्शन के अंदर। और साथियों, इसी धारा को पुराने कानून में समझें तो वहाँ पर IPC का जो सेक्शन था 494, उसमें ये कवर होता था। आप स्क्रीन पर इसे समझ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुद को कुवारा बताकर दूसरी शादी करता है तो ऐसे में उसके लिए क्या सजा बताई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नए कानून BNS का जो सेक्शन है 82, उसका सब क्लॉज 2 82 की उपधारा 2 बताती है कि अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 82 क्लॉज 1 वाला ऑफेंस करता है और उस बात को दूसरे वाले पार्टनर से जिससे वह शादी कर रहा है उसे छुपाता है, यानी अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह महिला है या पुरुष है, वह दूसरे व्यक्ति को खुद को कुवारा बताकर अपनी पहली शादी की इन्फॉर्मेशन को छुपाकर उससे शादी करते हैं तो ऐसे में कंप्लेंट होने पर उस व्यक्ति को जो ऐसा कर रहा है, चाहे वह महिला है या पुरुष है, उसको भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 82 क्लॉज 2 के तहत 10 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों की ही सजा हो सकती है। और अगर इसी धारा को पुराने कानून में समझें तो IPC का जो सेक्शन था 495, आप स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं, 495 के तहत इसे कवर किया गया था, जिसे बदलकर अब नए कानून BNS में कर दिया गया है सेक्शन 82 क्लॉज 2, यानी इन दोनों को जो धाराएं अलग अलग थी 494 495, उन दोनों को मर्ज करके नई धारा 82 के रूप में BNS में इसे कवर किया है। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर इनसे जुड़ी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं और BNS की सीरीज में नए नए टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।